विधिमा विज्ञान विभाग घटतौली को लेकर अभियान चला रहा है। अप्रैल माह से अब तक विभाग ने 234 मामलों में कार्रवाई कर 26 लाख से अधिक का शमन शुल्क वसूला है। विधिक माप विज्ञान विभाग समय समय पर घटतौली को लेकर अभियान चला रहा है। अप्रैल माह से अब तक चलाए गए अभियान में 234 प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई की गई। इसमें 26,04,500 रुपए शमन शुल्क वसूला गया। पिछले वर्ष अप्रैल मई जून में 35,28,188 रुपए शमन शुल्क व्यापारियों ने जमा कराया था। गैस एजेंसी और हॉकर भी विभाग के निशाने पर है। अप्रैल से लेके अभी तक आगरा जनपद में बाट माप विभाग ने 268 प्रतिष्ठानों की जांच करते हुए और विधिक कार्रवाई करी, जिसमें से 234 मामलों का समन किया गया। 234 मामलों में विभाग ने 26,42,500 रुपये समन शुल्क जमा करवाया व्यापारियों से, और गैस मिठाई इनके विरुद्ध निरंतर अभियान चल रहा है। गैस हाकरों से घटतौली करने के कारण 50,000 रुपए समन शुल्क जमा कराया गया है। माप विज्ञान विभाग घटतौली को लेकर लगातार अभियान चला रहा है। गैस एजेंसियों के साथ हॉकर भी पकड़े जा रहे हैं, फिर भी घटतौली थमने का नाम नहीं ले रही है। गैस एजेंसी से सिलेंडर लेने के बाद हॉकर रास्ते में गैस कटिंग कर रहे हैं। गैस सिलेंडरों में घटतौली मिलने पर विभाग ने हॉकरों से हजार रुपए शमन शुल्क वसूला है। इससे पहले भी गैस कटिंग के मामले में कई हॉकरों पर कार्रवाई की जा चुकी है। देखिए, हमें शिकायत मिलती रहती है तब और हम स्वतः संज्ञान लेते हुए जांच करते हैं। कहीं भी अगर कोई हॉकर मिलता है घटतौली करते हुए तो हम उनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। हम उपभोक्ताओं से अपील करना चाहते हैं कि वो अपने कॉलोनी में या अपने सोसाइटी में एक इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस रख लें खरीद के, और रेंडमली जाँच करते रहें। अगर कोई शिकायत मिलती है उनको कि घटतौली की जा रही है, तो तुरंत हमारे विभाग को, बाट माप विभाग को सूचित करें और नियमानुसार तुरंत कार्रवाई की जाएगी, ताकि उपभोक्ताओं को सही मात्रा में गैस मिलती रहे। माप विज्ञान विभाग के वरिष्ठ अधीक्षक ने उपभोक्ताओं से गैस सिलेंडर तौल कर लेने की अपील की है। इसके साथ ही सिलेंडर में कम गैस मिलने पर माप विज्ञान विभाग में आकर सूचित कर सकते हैं। शिकायत मिलने पर दोषी हॉकर या गैस एजेंसी पर कार्रवाई की जाएगी। रक्षाबंधन के त्यौहार पर मिठाई की दुकानों पर कार्रवाई के लिए टीमों का गठन किया जाएगा। घटतौली मिलने पर दुकान स्वामी से जुर्माना वसूला जाएगा। सी न्यूज़ के लिए उमेश शर्मा की रिपोर्ट।